आखिर एक टाइम के बाद ऐसा क्या होता है कि लड़कियों का इंटरेस्ट लूज होने लगता है और वो आपको डंप कर देती है। देखिए, रिलेशनशिप में जब हम लोग होते हैं तो कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिन गलतियों की वजह से लड़कियों का इंटरेस्ट लूज हो रहा होता है, लेकिन हम लोग नोटिस नहीं कर पाते हैं और एक टाइम के बाद वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है, आपसे बात करना बंद कर देती है, क्योंकि आप वो इंटरेस्टेड इंसान नहीं रहते हो जो शुरू में हुआ करते थे और जिस वजह से वो आपसे बात करना पसंद नहीं करती है। पहली गलती हम लोग ये करते हैं कि लड़की के ज़िंदगी में हद से ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हैं। अरे कल कहाँ गए थे, अच्छा उससे बात कर रहे थे, अच्छा ये बताओ ना क्या क्या बातें हुई। ये जो आप क्यूरियोसिटी दिखाते हो ना पूछने वाली, ये आदत लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं। तो यहाँ पे आप लड़की मत बनिए, जिस वजह से लड़की एक टाइम के बाद इरिटेट भी होने लगती है आपके ऐसे ऐसे सवालों से। देखिए, यदि आपको जानना है तो पहले आप अपने बारे में बताइए कि हम वहाँ पे घूमने गए थे, फलाना दोस्त से मिले, उससे बात किए, तो वो अपने बारे में खुद ही बताएगी। तो आपका अप्रोच इनडायरेक्ट वे में होना चाहिए पूछने का। दूसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि खुद को सरेंडर कर देते हैं, मतलब कि गलती किए नहीं कि सॉरी बोल देते हैं। हम लोग बात को लड़ाई तक नहीं पहुंचाना चाहते, हम लोग नहीं चाहते हैं कि लड़ाई हो, लड़ाई करने के लिए कोई बोल भी नहीं रहा है। देखिए, जहां आपको लग रहा है कि मैंने यहां गलती की है वहां सॉरी बोलिए, लेकिन हर गलती के लिए सॉरी नहीं बोलिए। कभी कभी आपको लगता है कि मैंने गलती की है तो वहां भी आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कीजिए, और मैनिपुलेट करना कोई गलत चीज़ नहीं है। मैनिपुलेट करने से आपका क्या है कि आपको बार बार झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सपोज यदि लड़की आपको बोल रही है कि अरे 2 दिन से बात नहीं की, आप रियली में 2 दिन से बात नहीं किए हो, तो आपको लगा कि नहीं अब तो हमको सॉरी बोल देना चाहिए, अरे हम काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, सॉरी ना, माफ़ कर दो ना। नहीं भाई, यहाँ पर आप उसे मैनिपुलेट कीजिए, और ऐसे मैनिपुलेट कीजिए कि लड़की खुद में अनसिक्योर्ड भी फील करे। हाँ, हम 2 दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, लेकिन सच बता दें हमको आजकल तुमसे बात करने का भी मन नहीं करता है। इससे लड़की अनसिक्योर्ड फील करेगी, उसे ये लगेगा कि हम काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे हैं। देखिए, उस समय लड़की आपसे लड़ाई ज़रूर करेगी, लेकिन ट्रस्ट मी, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी। तीसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि लड़कियों के क्यूरियसिटी लेवल को बढ़ा के नहीं रख पाते हैं। होता यह है कि लड़कियां कॉमनली एक क्वेश्चन पूछती ही पूछती है, वो क्वेश्चन ये कि मैं तुम्हारे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट तो हूँ ना। और ट्रस्ट मी, ऐसे क्वेश्चन पे लड़के तुरंत हक देते हैं, अरे सच में तुम मेरे लाइफ में नहीं आती तो पता नहीं मेरा लाइफ क्या होता, इसलिए मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना, मैं तो अकेला हो जाऊंगा। और लड़की एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाती है आगे चल के। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जवाब नहीं दीजिए, जवाब आप दीजिए 2 दिन के बाद। इससे क्या है कि लड़कियों का जो क्यूरियसिटी लेवल रहेगा ना, यहाँ पे होगा, और लड़की आपसे बात करने में भी इंटरेस्टेड रहेगी, वो जानना चाहेगी कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा मेरे इस सवाल का। और जब आप 2 दिन के बाद जवाब देते हो ना, तो एक मैच्योरिटी लेवल वाला जवाब देते हो, एक मैच्योर पर्सन की तरह, जिससे भी लड़कियां काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। चौथी गलती हम लोग ये करते हैं कि लड़की बुलाई नहीं मिलने के लिए कि हम लोग तैयार रहते, अच्छा कल मिलना है, कितने बजे मिलना है, अच्छा उस समय तो मेरा कोई काम नहीं है। यहाँ भी आप गलत करते हो, यहाँ पे आप जवाब दो, आप इस तरीके से जवाब दो कि ठीक है कल मिलना है, देख लेते हैं मेरा कल का कुछ शेड्यूल है क्या, कल अपना घर में भी कुछ काम हो सकता है तो मैं वो देख लेता हूँ, उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ। इससे होगा क्या, लड़की को ये लगेगा कि आप अपने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो, खुद को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो उस लड़के से, और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इंसान भी लगते हो। तो आपका जवाब देने का तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका जो पर्सनालिटी का शेप है वो ओल्डर वर्जन वाला है, इसलिए अपनी पर्सनालिटी को भी ट्रांसफॉर्म कीजिए। इससे होगा क्या कि जब आप पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपका ये करियर में भी काम देगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह। ओल्डर वर्जन पर्सनालिटी को क्विट कीजिए, उसे इरेज कीजिए और न्यूअर वर्जन को अपनाइए। देखिए, मेरे अपने लाइफ के भी कुछ एक्सपीरियंस है और जिस बेसिस से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।